हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जैसे ही हिमकेयर की फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बंद की, वैसे ही जनता में हाहाकार मच गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़, साफ़ सफाई जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्पत जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स के। इसी को जानने के लिए हमने एक चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस का दौरा किया और उनसे बातचीत की कि वो बताएं कि सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं वैसी साफ़ सफाई रखी जा सकती, क्यों नहीं वो सरकारी अस्पताल भी सब कुछ होते हुए स्टाफ है, पैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले जो है वो उनकी गुणवत्ता का मुकाबला कर सकें। सर, अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हिम केयर की एक फैसिलिटी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बंद कर दी है, तो एक पब्लिक में एक डिस्कशन सी छिड़ गई और वो इसलिए छिड़ी है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में माना जाता है कि साफ़ सफाई ज़्यादा होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का कोई सिस्टम है और वो किए जाते हैं क्या? देखिए, एक भारत सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनमें जो दी जाए सुविधाएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्रोसेसेस हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने और उनकी इवैल्यूएशन के लिए दो किस्म की स्कीम्स चलाई जाती हैं। एक तो कायाकल्प स्कीम है जिसमें पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपस में एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए रैंकिंग की जाती है, मगर उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो सफाई और अन्य व्यवस्थाएं हैं। एक अन्य बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स होता है NABH, उसी तरीके से एनक्वास स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और जो एनक्वास की एक चेकलिस्ट है उसके बड़ी वो विस्तृत चेकलिस्ट है, उसके अनुसार फैसिलिटीज़ को पहले अपने आप को सेल्फ असेस करना होता है और सेल्फ असेस करने के बाद उसकी स्टेट असेसमेंट की जाती है एक टीम के द्वारा। स्टेट असेसमेंट में यदि वो फैसिलिटीज 70% के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट पैरामीटर्स पे यदि वो प्राप्त करती हैं तो नेशनल असेसमेंट के लिए वो एलिजिबिलिटी हो जाती है। नेशनल असेसमेंट जो है वो 3 मेंबर टीम जो है वो देश के विभिन्न भागों से आती है और 3 दिन तक जो जोनल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर के हॉस्पिटल हैं उसके लिए वो आके बैठते हैं। CHC और CH के लिए 2 दिन की असेसमेंट होती है और अब सब सेंटर्स के लिए ये वर्चुअल असेसमेंट का भी प्रावधान किया गया है। तो आपके पास कोई ऐसा हॉस्पिटल है ज़िले में जो NQS क्वालिफाइड हो, जिसने क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया? जी, हमारा जो क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला है ये 2022 दिसंबर मतलब 2023 से लेके हमने राष्ट्रीय स्तर पे इसको, और जो मैं कह रहा था कि 16 डिफरेंट सेक्शंस हैं हॉस्पिटल के जिसमें हमने अप्लाई किया था, और 16 सेक्शंस में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस की बात हो, चाहे वो इन्फेक्शन कंट्रोल की बात हो, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स की बात हो, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 70% ना पाते हुए हमने 92% मार्क्स से वो क्वालिफाई किया। और उसके बाद उसमें फ़ायदा ये रहता है कि 10,000 रुपये प्रति बेड, फंक्शनल बेड पर ईयर, हर साल वो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और हमें पिछले 2 साल से ये पैसा जो है प्राप्त हो रहा है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के साथ एक अलग स्कीम है, लेबर रूम क्वालिटी लक्ष्य कार्यक्रम, तो लक्ष्य में भी जोनल हॉस्पिटल जो है वो सर्टिफाइड हॉस्पिटल है और इस उसमें भी 3 लाख रुपये हर साल हमें मिलते हैं, तो 30 लाख रुपये के करीब जो है राशि हर साल मिल रही है। मगर ज़रूरी है कि एक बार जो स्टैंडर्ड्स हमने अचीव किए हुए हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी और उनकी निरंतरता मेंटेन करना आवश्यक है और मुझे आशा है कि हमारी टीम उस दिशा में लगातार कार्य करेगी। सर, ज़िले में और कितने ऐसे सेंटर्स हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो कि वो क्वालिटी पे आए? प्रयास है कि 2025 एंड तक हम ज़िले की आधी कम से कम फैसिलिटीज़ को, टोटल फैसिलिटीज़ को, हालांकि ये बहुत एम्बिशियस नंबर लगता है, आज की डेट में हमारे पास टोटल 449 के करीब हेल्थ सब सेंटर्स हैं। अभी तक हम 11 को स्टेट सर्टिफाई करा पाए हैं और अगले 3 महीने में मेरा ये लक्ष्य है कि 12 और को हम कराएंगे और उसके बाद इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।